सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम पब्लिक डिमांड। जी हाँ, आप सभी को जैसा कि पता है, हम हर बार आप सभी के लिए अपने इस पब्लिक डिमांड के खास प्रोग्राम में खास जानकारियाँ लेकर आते हैं और आप सभी को बताते हैं कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसी बातें जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। बिल्कुल, जो खबरें, जो फिल्म के गाने, जो फिल्म के ट्रेलर रिलीज़ होते हैं यूट्यूब चैनल पर, हम उसके बारे में आप सभी को जानकारी देते हैं। क्योंकि भाई, बॉक्स ऑफिस की सारी जानकारियाँ, बॉक्स ऑफिस पर कौन सी नई फिल्म आ रही है, कौन सी नई फिल्म ने कितनी कमाई की है, ये जानकारी तो हम आपको अपने नेक्स्ट लाइन न्यूज़ भोजप्रिया की खबर के अनुसार बता ही देते हैं, लेकिन YouTube पर कौन सी फिल्में रिलीज़ हुई हैं इसके बारे में विस्तार से हम आप सभी को इस प्रोग्राम में बताते हैं। और इसी के साथ साथ उस फिल्म पर दर्शकों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है या उस गाने पे दर्शकों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, ये हम आप सभी को ज़रूर बताते हैं, जो कि इस प्रोग्राम का खास बात है, जो इस प्रोग्राम का प्लस पॉइंट है। क्योंकि हमारे लिए दर्शक उतना ही मायने रखते हैं जितने कि बड़े सुपरस्टार्स, क्योंकि स्टार जो बनाता है, जो एक आम व्यक्ति को, एक कलाकार को स्टार बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो हमारे भोजप्रिय दर्शक ही होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हमारे भोजप्रिय दर्शक भोजपुरी स्टार्स को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज बनता है कि आखिरकार वो किसी फिल्म के गाने को लेकर, किसी स्टार को लेकर वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, इसके बारे में हम उनकी मन की बात जान सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के बिना देर की आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक खास फिल्म को लेकर है। लेकिन उससे पहले बात आप सभी को बताना चाहेंगे यसी म्यूजिक पर। जी हाँ, यसी म्यूजिक पर एक हमारे जुबल स्टार दिनेश लाल यादव का वीडियो अपलोड हुआ है, जिस वीडियो में हमारे दिनेश लाल यादव जो है वो फिल्म हल्फा मचा के गईल का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमारे जुबल स्टार, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की एक खास बात मैंने देखी अपने में इस दौरान कि कुछ समय से भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार हैं वो अपनी फिल्मों को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो अदर फिल्में हैं उसका भी प्रमोशन कर रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में निरहुआ की बात कर लीजिए, आम्रपाली की बात कर लीजिए, या और भी तमाम एक्टर एक्ट्रेस की बात कर लीजिए, उन्होंने फिल्म नचनिया का प्रमोशन जम के किया था। वो फिल्म का तो प्रमोशन हुआ ही, इसके अलावा उसके बाद अगर जो बात करें तो दिनेश लाल यादव और निरहुआ हाल ही में अभी देखिए वो हल्फा मचा के गैल का प्रमोशन कर रहे हैं। इससे पहले दिनेश लाल यादव ने शादी करके फंसिया यार का भी उन्होंने प्रमोशन किया था। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री की एक खास बात कह सकते हैं हम, एक खास बात है कि हाँ, दर्शक इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का ये जो प्यार है ऐसे ही दर्शकों पर बरकरार रहे। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिनेश लाल यादव ने इस फिल्म को प्रमोट करते हुए इस फिल्म के बारे में तो बताया ही है, इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जो इस फिल्म के हीरो हैं, जी हाँ, जो इस फिल्म के खास हीरो हम इस फिल्म में हैं, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें, काफ़ी ज़्यादा उन्हें आगे बढ़ाएं। जी हाँ, आपको बता दें, राघव नय्यर को उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही है और दिनेश लाल यादव ने कहा है कि वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, तो उन्हें प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। खैर, अब एक अच्छा कलाकार एक दूसरे कलाकार की तारीफ कर रहा है, ये भी तो एक बहुत ही खास बात है और ये हर इंडस्ट्री में नहीं होता, ये बिल्कुल जायज बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, हल्फा मचा के गैल का, जैसे कि इनका इनमें हमारे जुबल स्टार दिनेश लाल यादव प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक उसी के साथ जस्ट उसी वीडियो में ये इस फिल्म का एक गाना भी चल रहा है, जो कि दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। यसी म्यूज़िक पर ये वीडियो है। अभी तक इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हाँ, जितने लोगों ने देखा उनकी तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि अच्छा पसंद आ रहा है और लोग इसे सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। चलिए आगे बताते हैं आपको। इस फिल्म में अगर जो स्टार कास्ट की बात करें तो राघव नय्यर, शिप्रा गौर, सम्राट चतुर्वेदी, मनोज टाइगर, अनूप अरोड़ा, शारदा नवल और संभावना सेठ, पायल रोहतागी, सुनील पाल और आशीन कुरेशी, जी हाँ, ये वो स्टार कास्ट हैं जो कि बॉलीवुड के बहुत फेमस चेहरे हैं, बहुत नामी ग्रामी चेहरे हैं। लेकिन इन सब के अलावा, इन सब के बावजूद, अब वो देखिए कि हम वो अब इस इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख कर चुके हैं, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का स्तर किस लेवल तक जा रहा है, ये आपको इस फिल्म के स्टार कास्ट से अंदाज़ा लग जाएगा कि जो लोग बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, जो लोग बॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं, उनकी वजह से आज देखिए कि कितने सारे लोग अब बॉलीवुड से
के साथ साथ बॉलीवुड में तो खैर वो फेमस है ही, उसके अलावा अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी रुक कर चुके, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी उनका दबदबा बरकरार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें इस फिल्म के लेकर कहा गया है कि इस फिल्म में दर्शकों को तरफ से बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, दर्शक इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हमारे जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का अपील करने पर, निरहुआ जी का अपील करने पर दर्शकों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है। हाँ, खेसारी लाल, सबसे पहला खेसारी वीडियो की तरफ से मैसेज आया है, सुपर। सचिन गुप्ता ने लिखा है, यादव पान भंडार कब आएगा सर? माफ़ी चाहेंगे सर, लेकिन अभी इस फिल्म से सिर्फ उसका पहला पोस्टर जो है वो वायरल हुआ था, उसके अलावा अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पर ई तरफ से मैसेज है, सुपर हल्फा मचा के गई गाना, माफ़ी चाहेंगे मूवी। उसके बाद साहिब राजा का मैसेज है, दिनेश भैया ने कहा है तो ठीक ही है भाई, यानी कि दिनेश लाल यादव का अपील करने पर इस फिल्म को असर तो, यानी फिल्म पर असर, यानी फिल्म को प्रमोशन हो तो ज़रूरी हुआ है, लेकिन इस फिल्म पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। उमेश कुमार यादव का है सुपर। वहीं पर आफ्ताब का है मस्त। अमित कुमार यादव का है जियो शेर भैया। वहीं सुनील कुमार यादव ने लिखा है, उन्होंने कुछ वर्ड यूज़ करके बोला है, मूवी अच्छी नहीं है, माफ़ी चाहेंगे, मैं उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको रिपीट नहीं कर सकती। वहीं पर अन्नाशन की तरफ से मैसेज है, आई हेट निरहुआ एंड पवन सिंह। उन्होंने डायरेक्टली पवन, हमारे जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को नापसंद किया है। खैर अगर जो आप इसका रीज़न भी बताते तो ज़्यादा ठीक रहता। आगे बढ़ते हैं, विमल इंटरटेनमेंट की तरफ से है, मूवी बहुत मस्त है, ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली मैं ये फिल्म ज़रूर देखूँगा। ये दर्शकों की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, दर्शकों का ऐसा मानना है कि ये काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो देखना, लोग इसे देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसे प्यार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा देखते हैं अगर जो बात करें तो हल्फा मचा के गेल में अगला जो मैसेज आया है वो मैसेज है हमारा खास, जो खास हमारे स्टार्स हैं उनकी तरफ से, बहुत ही अच्छा आपका, बहुत ही अच्छा आपका इस फिल्म का गाना है, मुझे आपके गाने और फिल्म का ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके इस गाने के अलावा लोग और बॉलीवुड के भी कई सितारे हैं जिन्होंने इस फिल्म का प्रमोशन किया है। अगला मैसेज है, देखा है हमने जो हमारे पास है वो सोहिल नायक का, जिन्होंने लिखा है सुपर। बाबुल बिगेस्ट का मैसेज है सुपर। अविनाश कुमार का मैसेज है बहुत ही अच्छा सुपर। पप्पू यादव का मैसेज है सुपर डुपर हिट भैया। अगला मैसेज है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड की तरफ से, बहुत ही बढ़िया। वहीं पर लखन कुमार का मैसेज है सुपर। सोनम गुप्ता का भी मैसेज है नाइस वीडियो। बैड बॉय आदित्य करना की तरफ से, सुपर से भी ऊपर वाला दोस्त, बहुत ही अच्छा है। वहीं पर रितेश पांडे की तारीफ हुई है, क्योंकि रितेश पांडे ने इस फिल्म में गाना गाया है तो, और उनके वॉइस और उनके गाने की जमकर तारीफ हुई है। वहीं पर रंजन जी का मैसेज है फंटास्टिक। विमल एंटरटेनमेंट की तरफ से है फर्स्ट कमेंट माय एंड दिस मूवी इज़ वेरी नाइस। वहीं पर दीपक यादव का मैसेज है प्रमोद प्रेमी का वॉइस होता तो और भी अच्छा होता। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के डिमांड्स भी आ रहे हैं कि अगर जो ये स्टार की जगह इस स्टार को कास्ट किया जाता या इस सिंगर की जगह उस किसी और सिंगर को लिया जाता तो शायद फिल्म का गाना और फिल्म की, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग, दर्शक इस फिल्म पर मंथन ज़रूर कर रहे हैं और अपनी अपनी राय ज़रूर दे रहे हैं। खैर दोस्तों देखिए, जब कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक चीज़ और आपके लोगों के आप लोगों के लिए मन में आया कि जब आप कोई भी कमेंट करते हैं किसी भी फिल्म पर, किसी भी गाने पर या फिर आप हमारे इस प्रोग्राम पर, तो अगर जो आपका अच्छा कमेंट है, पॉजिटिव कमेंट है, तो भी आप रीज़न के साथ लिखिए ताकि दर्शक समझ सके, हम समझ सके और जो आपके स्टार है वो समझ सके कि आखिरकार आप अगर जो अच्छा सोच रहे हैं तो आपको क्या पसंद आया है, और अगर जो आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आया है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, ताकि वो गलती वो दोबारा उस किसी फिल्म में या गाने में यूज़ ना करें। क्योंकि सिर्फ गलत बोल के हट जाना ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड लगता है, तो आप एक बार प्रॉपर तरीके से अपना फीडबैक देते हैं तो वो फीडबैक प्रॉपर तरीके से लोग समझ भी पाते हैं और शायद उस पर अमल भी किया जाए। क्योंकि जितना प्यार हम आपसे करते हैं, जितना प्यार स्टार्स से आप लोग करते हैं, उतना ही प्यार स्टार्स भी अपने दर्शकों को करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बखूबी पता है कि दर्शक है तभी आज वो स्टार बन पाए हैं, और ख़ासकर भोजपुरी दर्शक, तमाम जो हमारे स्टार्स हैं भोजपुरी के, वो उनसे बेहद ज़्यादा लगाव रखते हैं, क्योंकि आज वो स्टार उसी मुकाम से उठ कर आए हैं जहाँ के दर्शक उन्हें पसंद देखना या सुनना या उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाए हैं और उन्हें पसंद करते हैं।
खैर दोस्तों, अब हल्फा मचा के गई फिल्म का बात हो ही रहा है, तो आप लोग भी सिनेमाघर में जब ये फिल्म लगेगा आप जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम पर इतना ही। कल मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगी आपका खास मनपसंदा प्रोग्राम। लेकिन अगर जो आपको कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और देखिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया। अब मैं आप सभी से लेती हूँ विदा, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।